आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे गुरुवार रात से जो उल्लासनगर शहर में बारिश हो रही है, उस बारिश से उल्लासनगर शहर के फर्नीचर बाजार और पूर्व पश्चिम बिल्डिंग के सामने वाला रोड, हरिद्वार अपार्टमेंट, सभी जगह इतना पानी भरने का कारण क्या है और फर्नीचर बाजार में जो दुकानों की जो बर्बादी हुई है पानी की वजह से, कौन जिम्मेदार है, जिसके वजह से इस उल्लासनगर शहर में जो पहली बारिश ने उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों की पोल खोल दी। 29 तारीख के दिन व्यापारियों के दुकान में फर्नीचर बाजार लिंक रोड पर सभी के दुकानों में पानी सवेरे से ही भरा हुआ था। महानगर पालिका की विशेष तौर पर जो टीम थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट के तरफ से वह वहां पर पहुंची हुई थी। सवेरे बारिश का मौसम ज़्यादा था, इसके लिए काम करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, मगर महानगर पालिका के तरफ से दो दो पोकलन, दो दो GCP और महानगर पालिका के कर्मचारी काम पर लगे हुए थे। जो नाला चौकअप हो चुका था, वह नाले की मरम्मत पिछले 15 से 18 साल तक हुई नहीं थी, उस पर रास्ता बना दिया गया था। इसके लिए वहां पर अंदर जो भी कचरा जाता था वह वहां पर जमा हो जाता था। वहां पर पोकलन और JCP ने मिलकर कम से कम 14 गाड़ियां वहाँ से अंदर कचरा निकाला हुआ था, जो काफ़ी समय से नाले के अंदर पड़ा हुआ था, जिसके कारण तेज बारिश के वजह से उन दुकानों में, नाले में पानी न जाते हुए रास्तों पर और दुकानों में पानी घुस गया। महानगर पालिका ने, पूरी टीम ने अपने ओर से पूरी तरह से वहाँ की सर्वे की, मगर वहाँ के स्थानीय व्यापारी जो महानगर पालिका के रवैये से काफ़ी नाखुश है, काफ़ी व्यापारी समाज चिल्ला रहा था और तमाम व्यापारी समाज के लोग उल्लासनगर की सत्ता पक्ष के साथ खुश नहीं दिखे। सबने यही कहा कि महानगर पालिका को काफ़ी समय से उन्होंने अपने ओर से एप्लीकेशन की हुई है नाला सफाई की, मगर महानगर पालिका इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए वहां के व्यापारी समाज काफ़ी आक्रोश दिखे। उन सभी लोगों का यही कहना था, इतने लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है वह हमें कौन भर के देगा। व्यापारी समाज सत्ता पक्ष के लोगों के, कई लोगों के नाम लेकर कहते थे कि हमने काफ़ी सारे फ़ोन स्थानीय नगर सेवकों किए, मगर कोई भी उनके तरफ से रिप्लाई न मिलने से वह सत्ता पक्ष के लोगों के साथ नाराज नज़र आ रहे थे। मगर 29 तारीख के दिन शहर की महापौर पंचम कालानी वहां पर पहुंची और स्थायी समिति के चेयरमैन राजेश भद्रिया, उन्होंने वहां के व्यापारियों से बात की, उन्हें दिलासा दिया कि जल्द वह नाले की सफाई करा के वहाँ पर कोई पर्याय निकालेंगे ताकि आगे चलकर उन रास्तों पर पानी दोबारा से जमा ना हो। आइए बात करते हैं महानगर पालिका के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी केनी साहब से, क्या कहते हैं, क्या मामला है, किस तरह का यहां पर अल्टरनेट निकाला जाएगा ताकि आने वाली बारिश में दोबारा इन व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं हो, और ये माजरा क्या है पूरी तरह से बताएंगे हमें केनी साहब। इथे फर्निचर मार्केटमध्ये जो नाला चोकअप झालेला आहे त्याचं मुख्य कारण असं आहे की हा सदरचा नाला जो आहे तो अंडरग्राउंड आहे आणि 500 फूट लांब असा नाला आहे। त्याला कुठेही चेंबर नसल्याने फक्त त्याचे जे मुख्य 2-4 तोंड आहेत ते रेग्युलर आपण सफाई करत असतो। मात्र हा नाला जवळपास 90 बांधलेला आहे जेव्हा नगरपालिका होती, आणि त्यामुळे हा जो नाला आहे वर्षानुवर्ष इथे जे फर्निचर मार्केटमधले बरेचसे दुकानदार आहेत, आता नाला साफ करताना असं दिसून आलं की गोणीच्या गोणी लाकडाने भरलेल्या त्याच्या त्या नाल्यात दिसून येत आहेत। त्याच्यामुळे हे वर्षानुवर्ष ते नाल्या फर्निचरचे तुकडे, लाकडाचे तुकडे, प्लाय, प्लास्टिक, गोणी, इतर सर्व त्याच्यात मोठ्या प्रमाणात अडकलेलं आहे। त्याच्यामुळे तो नाला खोलण्यात खूप उशीर झाला। काल 2 JCB लावले होते, आज कटर आणलेला आहे, ब्रेकर आहे, 2 पोकलेन आहेत, आणि या सर्व माध्यमातून आज नाला तोडून थोड्या प्रमाणात रिलीफ झालेला आहे आणि काम अद्यापही सुरू आहे। या माध्यमातून मी सर्वांना इथल्या फर्निचर मार्केटमधील नागरिकांना व व्यापाऱ्यांना विनंती करेन की कृपया कोणीही नाल्यात कचरा टाकू नये। आज्ञा। कल सुबह को 5 बजे से जो बारिश चालू हुई है तो 7 बजे से यहाँ पानी भरना चालू हुआ,
इमिडिएटली हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट किया, उनके यहाँ से जेसीबी लगा के ये पानी निकालने का काम चालू है, लेकिन कल दो जेसीबी लगाने के बाद भी काम नहीं हुआ। इसके लिए आज दो पोकलेन दो जेसीबी लगाए हैं कि वो काम, जैसे अंदर नाले के अंदर ब्लॉक है, वो ब्लॉक हुआ इसके वजह से है कि लोगों ने चिंदी और लकड़ी के टुकड़े प्लाईवुड उधर नाले के अंदर डाल दिए, जो वहाँ जाके जैम हो गया है नाले, जिसके वजह से पीछे बाजू पूरा बाढ़ के जैसी परिस्थिति हो गई है। अभी उनका पूरा निकालने का काम चालू है और जैसे ही थोड़ी देर में पानी निकलने की ऐसे उम्मीद है। और कल भी यहाँ पर महापौर ओमी कालानी और कमिश्नर आए थे, आज भी आके कमिश्नर साहब अभी अभी निकले हैं और महापौर अभी खड़ी है और ओमी सेठ भी हैं इधर। तो हमारा कहना ये है कि हम लोगों को ये विनंती करते हैं कि नाले के अंदर, नाली के अंदर, गटर के अंदर चिंदी, कपड़ा टुकड़ा, वेस्टेज, लकड़ी कुछ भी मत डालिए। धन्यवाद। ये नाला पिछले 30 सालों से है, आज तक यहाँ नाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये नाले में जो घूनी है, घूनी बढ़ के उसमें चिंदी और जो लकड़ी के पीसेस निकले हैं, इसके वजह से ये नाला इस साल चोकअप हो गया है। हम लोग ने कल दो जेसीबी लगाई थी, उससे काम नहीं हुआ, तो इसके लिए आज दो पोकलेन और दो जेसीबी लगाई है। होपफुली शाम तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये नाले का पानी निकल जाएगा। काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी पूरी टीम, इवन कमिश्नर भी कल से यहाँ खड़े हैं, खड़े रहेंगे हम जब तक, शाम तक मुझे लग रहा है ये पानी निकल जाएगा। अक्टूबर से नोटिस दिया हुआ है कि पीछे नाले की सफाई कीजिए, बिल्डिंग वाले भी कचरा फेंकते, होटलों का कचरा आ रहा है, उसके वजह से पूरा पैक होने के बाद पूरा पानी ऊपर आते जा रहा है। ये म्यूनसिपालिटी की पूरी गलती है ना, आज पानी आ रहा है सब, जो हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ, एक एक दुकान में लाखों रुपया कौन भर के देगा। अभी कम से कम मैं बोलो 12 घंटा हो गया, अभी तक पानी उतरा नहीं, हमारे दुकानों में अभी तक पानी आते ही जा रहा है। कब बंद होएगा वो? वो जब सफाई होगी तभी बंद होगा, और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो आप अभी जो महानगरपालिका के अधिकारी आए थे, उनको पूछा आप लिए ना? वो तो बोलते हमने किया ना, दो दिन पहले काम कर रहे हैं और बोलते हमने तो किया ना। दो दिन पहले से क्या होएगा, ये चीज़ें महीने पहले से ही करनी चाहिए थी उन्होंने। 20 साल से ये नाले के ऊपर रोड बना हुआ है और सफाई इसके नीचे बहुत हुई नहीं है। आज कैसा हो गया, पूरा चौकाव के वजह से पूरा पानी पीछे से रिवर्स मार रहा है और पूरे पीछे घरों में, दुकानों में, हमारे मार्केट के पीछे जितने भी दुकान है, शॉप्स है, सबके दुकान में पानी आया है और बहुत नुकसान हुआ है। इसमें आपको ऐसा लगता है क्या कि फर्नीचर बाजार वाले, दुकान वाले जो प्लाईवुड या कुछ गोनियाँ डालते हैं, उस वजह से भी तकलीफ हो रही है नाले में? सर अभी ये 20 साल से ये रोड है और नीचे इतना पूरा लंबा नाला है कि पूरी तरह से सफाई नहीं होती है। अगर वो पूरी तरह से सफाई होती रहती तो हो सकता पानी नहीं रुकता, पर वो सफाई नहीं होती है। नहीं कि फर्नीचर बाजार वाले जो प्लाईवुड या कुछ टुकड़े डालते हैं, लकड़ी के टुकड़े डालते हैं, सर प्लाई का कैसा है? हम लोग का तो फर्नीचर में जितने भी यहाँ पर कैसे सफाई करने वाले, कटिंग करने वाले, हमारे यहाँ से भाई लोग लकड़ियाँ लेके जाती हैं, तो इतना कोई कचरा नहीं पड़ता हमारा, इतना कि हम लोग कोई रोड पे कचरा नहीं फेंकते, बाहर कचरा नहीं फेंकते। हमारे यहाँ वो लोग लकड़ियाँ लेके जाती हैं, क्योंकि लकड़ों का कारोबार भी होता है, वो लोग लेके जाते हैं, तो वो सफाई हो जाती है हमारी। नगर महानगर पालिकेमध्ये एक ही अधिकारी इथं आलेले नाही आहेत आणि यावर्षी, हा अधिकारी आलेले होते, पर यावर्षी जे का है नाल्याची सफाई झालेली नाही आहे। तरी या नुकसान भरपाई पर्ची सकाळपासून आम्ही लागलेलो आहे, आमच्या पोटामध्ये जीवन नाही, काय नाही काय नाही, तरी ह्या अधिकाऱ्यांना सबक भेटला पाहिजे, त्या हिशोबाने आम्ही उद्देश महोदय करतोय। तरी आमचे विशेष अधिकारी आलेले आहेत इथं, त्यांनी सर्व सर्वे केलेली आहे, जेवढे महानगरपालिकामध्ये नाले सफाईवाले आहेत ते आलेले आहेत, तिथं हजर झालेले आहेत, त्यांना पण आम्ही धन्यवाद करतो। जे काय फर्निचर मार्केटमध्ये जे तकलीफ झालेली आहे असं पुढच्या टाईम